हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं को ये ब्लॉग बनाना पड़ रहा है, मुझे थोड़ा सा डरा हुआ महसूस कर रहे हैं दोस्तों। और मुझे ये सीन ना दिखाना होता तो मैं ये वीडियो यहाँ पे शूट नहीं करती। और दोस्तों, आपको जैसे पता है कि सावन चल रहे हैं, सावन का मौसम है और महादेव के दिन चल रहे हैं, और कल मेरा फास्ट था सोमवार का। और दोस्तों, मुझे पता नहीं सावन में कितने सालों से मैं फास्ट रखती हूँ, और मैं अभी भी रखती आ रही हूँ, कंटिन्यू है दोस्तों। लेकिन फ्रेंड्स, अभी मैं जाने वाली थी लेकिन मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है दोस्तों। मैंने क्या देखा, अभी मैं ना जस्ट पीछे की साइड आई हूँ और महादेव के यहाँ पे मैंने सांप को देखा है। कहीं ना कहीं मैंने दर्शन कर लिए महादेव के, और महादेव को मैंने बोला, हे प्रभु, आपको दर्शन देने तो प्लीज़ ऐसे मत दें, और मैं जिससे डर जाऊँ, और मैं डर गई दोस्तों। और दिल्ली में मैंने ये पहली बार देखा है, वैसे उससे पहले कभी भी मैंने नहीं ऐसा कुछ देखा है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, वहाँ पे था जहाँ शिवलिंग है, वहाँ पे ज़्यादा बड़ा तो नहीं था दोस्तों, वहाँ से जाते जाते ये आप देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये मेरा हाथ देखिए आप, ऐसे ऐसे यहाँ से आगे, यहाँ पीछे की साइड, यहाँ पीछे हमारे ना छत, थोड़ा सा देखेंगे आप, यहाँ पे नीचे थोड़ा छतें हैं, खुली पड़ी हुई हैं, और वो वहीं पर चला गया दोस्तों। और मेरे को इतना डर लगा दोस्तों, और मैं जल्दी से भाग कर गई कि मैं चलो फ़ोन ले लूँ या जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लूँ। फिर मेरे को दिमाग में आया कि फ़ोन भी ले लूँ, वीडियो बना लूँ दोस्तों। लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं महादेव ने दर्शन दे दिए, लेकिन हे प्रभु, ऐसे दर्शन ना दें जिसमें मैं डर जाऊँ। बच्चे डर जाते हैं, नादान बच्चे हैं दोस्तों। और वो निकल के नीचे चला गया। अब घर में कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, हो सकता है अब महादेव के पास ही था, हो सकता है उनका वो भी आशीर्वाद लेने आया हो, जो भी है उनके गले में ही रहते हैं। लेकिन प्रभु मुझे ऐसे दर्शन ना दें, और मुझे आपके दर्शन तो करने हैं लेकिन ऐसे नहीं करने। मुझे ये सब चीज़ों से, हर इंसान डर जाता है। वो बहुत बड़ा नहीं था लेकिन फिर भी था दोस्तों, इतना बड़ा था दोस्तों, बच्चा ही था लेकिन था तो था ना। और मुझे पता नहीं वो जहरीला है या नहीं है या क्या है, वो निकल के पीछे की साइड चला गया है। और मैं वीडियो बना नहीं पाई दोस्तों, क्योंकि मैं डर गई उस टाइम पर। पता नहीं लोग कैसे वीडियो, सांप होता है वीडियो बना लेते हैं, मैं तो जब तक भागी तब तक तो वो भाग ही गया। और कैसे होता, मेरी तो समझ में नहीं आई वो कैसे आया यहाँ पे। वैसे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ग्रीनरी बहुत सारी है हमारे यहाँ, ये कुछ ज़्यादा ही हो गई यहाँ पे हरा भरा। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं साफ़ सफाई करती रहती हूँ, लेकिन पीछे की साइड से, क्योंकि ये दीवार है ना, इस दीवार के, ये तो आप देख रहे होंगे, ये दीवार है हमारी, यहाँ से ये सारी जो दीवार है इसके यहाँ से ये आ गया है पीछे से। पता नहीं कैसे आया, मैंने तो आते देखा नहीं इधर की साइड। और मैंने कहा आप लोगों को मैं ये बताऊं, महादेव के दर्शन कहीं ना कहीं हो गए मुझे, और मुझे ऐसे दर्शन नहीं करने दोस्तों, ये प्रभु क्षमा करना, और कृपया ऐसे ऐसे दर्शन ना दें जिससे भक्त इनके डर जाएं। और कहीं ना कहीं उन्होंने दर्शन दिए हैं, और साक्षात कहीं ना कहीं मैं इसको दर्शन ही मानती हूँ, क्योंकि वो सर्प जो है उनके गले में ही रहता है। भले ही वो बड़े वासुकी रहते हैं, लेकिन ये छोटा था, कोई बात नहीं, है तो वही। और बस इससे ना मुझे, क्योंकि बारिश दिल्ली में कल भी हुई दोस्तों, आज भी बारिश हुई है, और थोड़ा माहौल ऐसा बना हुआ है, मैं शॉकिंग हुई पड़ी हूँ, मेरे को इतना डर लग रहा है। लेकिन वो चीज़ चली गई है, इसीलिए मैं ऐसे खड़ी हूँ, वहाँ मैं देखती हूँ, वहाँ चली गई है। लेकिन अब वो ये जो अब गायब हो गई, कहते हैं कि पता नहीं दर्शन दे के गायब हो गए या जो भी है। और मैंने कहा आप लोगों को बताऊं, लोग मेरे हाथों से ना अच्छा चांस ना मिस कर देती हूँ मैं, क्योंकि मैं डर गई और मुझे ध्यान में नहीं आया कि मैं कैमरा फटाफट लेके आऊं। और जब तक मैं कैमरा लेके आई, वो चीज़ गायब हो गई दोस्तों। और मैंने कहा आप लोगों से ये चीज़ मैं शेयर करूँ, मैं खुद ही डर गई हूँ। और ये देखिए यहाँ पर महादेव हैं, मैं रोज़ पूजा कर रही हूँ, और यहीं पर जैसे मैंने उनका स्थान बना दिया, ये बेलपत्र का पेड़ दोस्तों, मैंने इसको बड़ा हटा उठो के बांध दिया है, ये बहुत वो हो गया है, और इसको बांध दिया था क्योंकि इसमें कांटे भी होते हैं दोस्तों बेलपत्र में। और यहीं पे, और देखें देख रहे हैं आप, यहीं पे था। और मैंने कहा आप लोगों को मैं दिखाऊँ अपने वीडियो में। और ये उनका बेलपत्र का पेड़ है, अब डर भी लग रहा है दोस्तों थोड़ा सा, मुझे ऐसा नहीं है, लेकिन वो चीज़ यहाँ से गायब हो चुकी है, नहीं है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा। तो दोस्तों, यही आपको बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। और दोस्तों, आप लोगों को मैं थैंक यू भी बोलना चाह रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों की मेहरबानी है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है,
तो दोस्तों आप लोगों की मेहरबानी की वजह से कहीं ना कहीं मैंने जो मेरे 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट था वो कहीं ना कहीं मैंने पूरा कर दिया है। ठीक है, टाइम पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, टाइमिंग हो जाएगा, अपना प्रेम आप बना के रखिए। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, आप लोग पता नहीं किसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दें, वही आपने किया है। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं भी कभी इतने कर पाऊँगी, और बहुत कम टाइम में आप लोगों के प्रेम ने यहाँ तक हमें पहुँचाया। तो दोस्तों इसी तरीके से अपना प्रेम बना के रखें। और दोस्तों यही न्यूज़ आपको देखनी थी, और मेरे से ना वीडियो में बोला नहीं जा रहा दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा है। अंदर चलते हैं दोस्तों, महादेव ने दर्शन तो दिए हैं लेकिन अब मुझे डर लग रहा है दोस्तों। अंदर आ गई हूँ मैं, और मैं अपनी निगाह यहीं रखूँगी, देखती रहूँगी, कहीं ना कहीं मुझे डर लग रहा है दोस्तों। और बस यही आपको न्यूज़ देनी थी। अब मेरे को तो टेंशन हो गई है, हाँ कहीं ना कहीं मैं ही डांस करने पहुंच जाती। बहुत दिन से मैं डांस नहीं किया दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया फ्रेंड से, उसका टच ख़राब हो गया। जो मेरे पास दूसरा एक्स्ट्रा फ़ोन था जिसके ऊपर साउंड बजा के मैं डांस वांस करती थी, वो मेरा बंद, कहीं ना कहीं वो ख़राब हो गया, मुझे सही कराना पड़ेगा, उसका टच ख़राब हुआ है। और फाइनली अब क्या करें, जब तक आपको वेट करना पड़ेगा, या मैं अपने हस्बैंड का वेट करती हूँ, जब वो रात को आते हैं तो उनका फ़ोन लेके तो मेरा रात का ही वीडियो या शॉर्ट्स बन पाते हैं दोस्तों। और अभी तो मेरा निकलने का टाइम था और ये ऐसा हो गया। मैंने कहा आप लोगों को पहले मैं न्यूज़ दे दूँ, जो लोग रील बनाते हैं कहीं ना कहीं उनको उनके दिमाग में ही चलता है, पहले जल्दी से अपने व्यूअर्स को बताया जाए। और दोस्तों वैसे वो चीज़ यहाँ है नहीं, वो चली गई, अब मेरा ध्यान उसी तरफ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, अपना प्यार आप बनाए रखिए, और थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए दोस्तों, और इतना सपोर्ट करने के लिए। आपने मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए, मैं शॉकिंग हूँ, और थैंक यू और थैंकफुल हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अपना प्यार बना के रखें, क्योंकि मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, और मुझे आप ही लोगों की तरफ से सपोर्ट आता है दोस्तों। टाइमिंग पूरा नहीं हुआ है, कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया लेकर आते हैं दोस्तों। मेरे को झूठ सच करना नहीं आता, तो इसलिए शायद मेरी वीडियो वायरल नहीं हो पाती, या वैसे ऐसा नहीं है, लोग देखते भी हैं लेकिन कम व्यूज़ हैं। चलिए देखते हैं फिर कहाँ तक जाते हैं हम लोग। और अपना प्यार बना के रखिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ देखें भी मेरे वीडियो को, लाइक करें। मैं वेट कर रही हूँ कि कब मेरे ऐसा हो जाएगा कि मेरे को भी 50, 60 या 100, मैंने देखा है किसी किसी को लाइक आते हैं 1000 के हो जाता है उनके लाइक्स में, तो फ्रेंड्स 100 नहीं पहुँचा कभी, नहीं 100 पहुँचा है, एक वीडियो में 100 पहुँचा था मेरा, उसके अबव गया नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे आप बताएं आप कहाँ से हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय फ्रेंड, मैं तो डरी हुई हूँ दोस्तों, चलिए बाय बाय, अब इसका कुछ काम करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स।